अनंत चतुर्दशी के अवसर पर प्रदेश की राजधानी भोपाल के घाटलापुरा घाट पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां गणेश विसर्जन के दौरान नाव पलटने से 13 लोगों की मौत हो गई और 2 लोगों की अब तक तलाश जारी है। प्रदेश सरकार द्वारा मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की गई है। घटना के बाद प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा घाटलापुरा पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि घटना बहुत ही दुखद है और इसकी विस्तृत जांच कराई जाएगी। पता किया जाएगा कि घटना कैसे हुई, इतनी व्यवस्थाओं के बावजूद कहां कमी रह गई। उन सभी तथ्यों का पता लगाया जाएगा और जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दस बच्चे थे। उम्र क्या थी? उम्र क्या थी? 20-22-23 साल के हैं बच्चे। अच्छा, कितने बजे यहाँ पर आए थे? बड़ी मूर्ति लेकर? बड़ी मूर्ति लेके आए थे सब। जब बड़ी मूर्ति थी, जब किरण से उठ रही थी, क्या जरूरत थी उसमें बच्चों को जाने का? हम जहांगीराबाद के रहने वाले, पर हमारे रिश्तेदार वहाँ रहते, उनने फोन लगा लगा बोला, देखो आंटी जाके ऐसा हो गया, अपने मोहल्ले के बच्चे नहीं आए थे। नहीं, हम पहले आए, हम रात में भी आए थे। क्या लग रहा, किसकी चूक है? पुलिस वालों की चूक है इसमें, इसलिए पुलिस वालों की। जब वो बच्चे जाते, उनको डंडा मार के नीचे क्यों नहीं उतारा? क्यों नहीं मारा उनके लिए? बच्चे भी तो नहीं सुनते कभी? नहीं सुनते तो मार के, प्रशासन का ये आर्डर है, उनको छूट का आर्डर है, हाथ पे तोड़ देते, नहीं जाने देते उसको। तो कौन है वो लोग जो हमारे आसपास के रहने वाले हैं? परदेशी है, इधर उधर के काम करने वाले हैं, मजदूरी करते हैं, कुछ काम करते हैं। पिपलानी के है, कुछ इधर के है, जहांगीराबाद के भी एक दो, देखना भी सब पा। उनके माँ बापों को किसी को पता नहीं लगा, जिसको पता लगा वो पहुँच गए। तुलसी भाई नाम है मेरा। सारे बच्चे बाहर थे। हाँ, घटना के बारे में देखा, क्या हुआ था पंडित जी? आप तो मौके पर थे उस समय, क्या देखा आपने? आदरणीय, हमने ये देखा, क्रेन से उन्होंने मूर्ति रखी, डबल नाव जोड़ के, डबल जोड़ के, हाँ जोड़ के, मुश्किल से 50-60 कदम कर नाव को धकाया उन्हें जो मूर्ति वाले थे, जबरदस्ती बैठे उसमें। उस समय SDRF वाले भी थे 4 और नगर निगम वाले भी थे, सब मना भी कर रहे हैं मगर किसी की नहीं, सब अपनी अपनी मस्ती। तो बस वो मैं 4:40 को घर से निकला, 4:45 बजे आया, देख रहा हूँ पलट नहीं सकता, 4-5 लोग तो तैर के आ गए। दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है, अभी के 6 लोग बचे थे, हरी भाइयों में चले गए, कैसे क्या हुआ? और एक किनारे, लगभग किनारे पे ये हादसा हुआ है, बहुत बड़ी दुर्घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण। और निश्चित तौर पर जाँच होकर कार्रवाई होगी कि आखिर लापरवाही कहाँ रही। और ये जैकेट, लाइफ जैकेट पहन के वहाँ पर जाना चाहिए, इस चीज़ को देखा जाए। खामी जो भी खामी है उसकी भी जाँच होगी और कार्रवाई होगी। क्यों भाई, 11 बहुत बड़ा हादसा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उन जो लोग हादसे में जुड़े हुए हैं उनको मैं अपने श्रद्धा को मना करता हूँ। 4 लाख रुपये अभी तक साहब ने बताया कि माहौल दिया है, और भी मदद की जाएगी और बाकी नगर निगम व्यवस्था करेंगे और जिम्मेदारी तय की जाएगी, जिम्मेदारी तय की। वहीं इस मामले में मृतक के एक परिजन ने नाव चलाने वाले नाविक आकाश बाथम और चंगू बाथम के विरुद्ध थाना जहांगीराबाद में शिकायत दर्ज कराई है।